Hi dear friends, click on the like button and the subscribe button and hit the bell icon for our latest video updates. And don't forget to follow on Instagram. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग्स। सो दोस्तों, काफ़ी डिमांड आई थी मेरे पास कि ड्राइव का वीडियो बनाओ, हाउ टू ड्राइव अ कार। तो मैंने सोचा आज वीडियो बनाया जाए, तो वही लेके आज मैं आया हूँ। चलिए दोस्तों, आप बता देते हैं आपको, थोड़ा बेसिक बताते हैं थोड़ा पहले कि क्या क्या होता है गाड़ी में और किस तरह से क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन, उसके बाद अपन ड्राइव करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, अपन कंट्रोल्स वगैरह देख लेते हैं। और सबसे पहले ये जो चीज़ है दिख रही है आपको सामने, ये स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग बीच में हॉर्न है, ये देख सकते हैं आप साइन, ये हॉर्न का साइन है, इसको दबाने पे हॉर्न बजता है। इंडिकेटर्स की बात करूँ मैं, इंडिकेटर्स ये यहाँ से कंट्रोल्स होते हैं, इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं। अगर अपन को लेफ्ट साइड का देना है तो उसको नीचे की तरफ करते हैं, और राइट साइड का देना है तो अपन इसको ऊपर की तरफ करते हैं, राइट साइड की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, कंट्रोल हो रहा है। और लाइट्स का भी यही है, जो हेडलाइट्स मेन होती हैं वो उसका भी यही है, ये पार्किंग लाइट और ये फुल लाइट जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो वाइपर्स वगैरह का होता है वो इस साइड दे रखा है, आप जैसे देख सकते हैं, इसको जैसे अपन घुमाएंगे वाइपर्स का फंक्शन करने लग जाएगा। ये बीच में जो दे रखा अपन को, ये स्पीडोमीटर है दोस्तों, राइट साइड स्पीड का लिए दे रखा है, बीच में MID दे रखी है, ऊपर फ्यूल का, थोड़ा इधर साइड में कूल आउट इंजन का, कितना गर्म है इंजन उसका। और जो राइट साइड में इधर दे रखा है वो है अपना RPM मीटर, अपन जितनी रेस देंगे उस हिसाब से वो RPM मीटर से जाता है। तो ये सब हो गया। AC वेंट्स, ये AC वेंट्स हैं दोस्तों, नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ, 4 AC वेंट्स हैं इसमें नॉर्मली आ जाते हैं। ये म्यूज़िक सिस्टम, ये कुछ कंट्रोल, ये 1000 लाइट्स का दे रखा है, ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है, आप देख सकते हैं ये निशान जो दे रखा होता है, इसको अगर जैसे अपन कहीं पर लगा रखिए तो ये ऑन कर देना चाहिए ताकि अगले को मालूम पड़ जाए। दोनों इंडिकेटर्स इसमें चल जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, चल गए, जिससे पीछे वाली गाड़ी को मालूम पड़ जाए कि गाड़ी खड़ी हुई है और आगे कोई गाड़ी है। और यहीं से ये क्लिक करते हैं तो ये बंद हो चुका है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करूँ मैं तो ये AC कंट्रोल्स हैं जो नॉर्मली आते ही हैं, ये कूल का है और इसको अपन इधर घुमाएंगे तो ये हॉट हवा, गर्म हवा देने लग जाएगा। ये फैन स्पीड का, ये ऑफ ऑन, ये इन स्विंग आउट स्विंग, ये बाहर की हवा, अंदर की हवा अंदर ही, बाहर से नहीं लेता ये फिर। और ये मोड है, कहाँ पे अपन को हवा चाहिए AC की, फेस पे चाहिए, फेस पैर दोनों पे चाहिए या फिर पैरों पे चाहिए। और ये फॉग के लिए होता है, कांच पे जो फॉग जम जाता है उसके लिए होता है ये। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए अपन को। इसकी बात करूँ तो ये हैंड ब्रेक है जो कि यूँ दब करके ये नीचे होएगा, तो ये हैंड ब्रेक हट चुका है। और इसको लगाना हो अपन को तो ये ऊपर कर देंगे तो ये लग चुका है। ये सीट बेल्ट्स के दे रखे हैं और ये अपन को चार्जिंग पॉइंट का दे रखा है। और सीट बेल्ट की बात करूँ तो ये रहा सीट बेल्ट, देख सकते हैं आप, सीट बेल्ट कुछ इस तरह से आकर के, और जो ये दे रखा है इसमें ये फिट हो जाता है जैसा कि आपने देखा। और इसको अगर अपन को खोलना हो तो ये प्रेस लिखा हुआ है जिसे करेंगे अपन, ये ओपन हो चुका है जैसे कि आपने देखा। और नॉर्मली ये सारे फंक्शंस की बात करूँ तो ये हो चुके हैं। पावर विंडो, अपन को अगर कांच नीचे करना हो विंडो का तो ये दो बटन दे रखे हैं, ये वाला ड्राइवर साइड का, ये वाला लेफ्ट साइड का है। तो जैसे अपन इसको नीचे दबाएंगे, देख सकते हैं आप विंडो नीचे आ रही है, और जैसे इसको अपन ऊपर करेंगे ये देखिए आप ऊपर जा रहा है। तो ये नॉर्मल कंट्रोल्स ये भी मालूम रहने चाहिए ताकि अपन को। और ये रियर व्यू मिरर है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको ढंग से सेट करके और अंदर से ही अपन पीछे वाले कांच में अपन इसको पीछे का अपन देख सकते हैं। और इसके कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, जो ये वाला मिरर है ये यहाँ से सेट हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं ये, और वो वाला वहाँ से सेट हो जाता है जैसे कि उसमें दे रखा है। कुछ स्पेस है गाड़ी में, ये सारी बातें हो गई। देन अब अपन बात कर लेते हैं नॉर्मली गाड़ी की। तो सबसे मेन होता है ये गियर, देखिए आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें
जैसे कि दे रखा है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिवर्स, मतलब टोटल 6 गियर हैं, 5 गियर फ्रंट के और एक रिवर्स का। तो नॉर्मली 5 गियर हैं, बस टोटल अपन करेंगे तो 6 गियर होते हैं ये। और देन जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, ये जैसे पोजीशन दे रखी है उस टाइप का ये अपन गियर डालेंगे। और तो ये तो गियर होगी गियर की बात। देन इसके नीचे की तरफ चलते हैं अपन, तो ये अपन को 3 पैडल दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो जो ये वाला पैडल है सबसे इधर इधर वाला लेफ्ट वाला, इसको बोलते हैं क्लच। जो ये बीच वाला है ये है अपना ब्रेक, और जो ये सबसे पहला वाला है ये अपना एक्सीलेटर है। तो अपन को किस तरह से क्या चलानी है सारा अपन ने समझ लिया है, तो अपन अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को गियर डालने के लिए ये जो क्लच वाला दिख रहा है सबसे फर्स्ट वाला, ये अपन को दबाना है पूरा पूरा। जैसे अपन दबाएंगे उसके बाद अपन को गियर डालने, जैसे कि मैंने बताया अगर ये बीच में यूँ रहता है प्ले, ये न्यूट्रल है इसका, और फर्स्ट गियर सबसे इधर इधर करके ये लेफ्ट साइड में जा करके और आगे की तरफ डालेंगे तो अब ये फर्स्ट गियर हो गया है। सेकंड गियर की बात करूँ मैं तो इसी के सीधाई में नीचे लेंगे अपन, तो ये सेकंड गियर हो चुका है। और इसको जैसे ही अपन यूँ करेंगे और उसके बाद जो फ्रंट डालेंगे, अपन को इस तरफ नहीं लेना आगे फ्रंट डालना है, तो ये थर्ड गियर हो गया। इसी के नीचे अपन बिना दम लगाए ये लेंगे तो ये फोर्थ गियर हो चुका है। और वापस से आगे कर करके एक, फिर राइट साइड में पूरा दबा करके और आगे की तरफ लेंगे तो ये फिफ्थ गियर हो चुका है। और अपन को रिवर्स डालना हो तो सबसे इधर ले करके और पीछे की तरफ अपन को करना है, तो ये रिवर्स गियर डल चुका है, देख सकते हैं आप। और वापस न्यूट्रल करना है तो एक ज़रा सा आगे की तरफ करना अपन को, तो देख सकते हैं ये प्ले हो गया वापस से, तो ये न्यूट्रल हो गया, अभी गियर में नहीं है ये न्यूट्रल मतलब। और इसी में नहीं हो तभी गाड़ी को स्टार्ट करना है अपन को। जैसे कि अपन दिखा देता हूँ मैं गाड़ी, जैसे अभी ये देखा अपन ने क्लच दबाया, ये क्लच दबाया और ये देखा अपन ने न्यूट्रल में है गाड़ी। अब इसके बाद अपन को गाड़ी यहाँ ये रखी की इसकी, ये अभी बैटरी पे हो रही है, अब इसको स्टार्ट कर देना है। देख सकते हैं आप गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी न्यूट्रल में है गाड़ी। अभी मैं क्लच छोड़ भी दूंगा तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, जैसा कि आपने देखा जैसे बाइक में हिसाब रहता है उस तरह से ये। फिर अपन को क्लच दबाना है फर्स्ट गियर जैसे मैंने बताया था आगे की तरफ यूँ लेफ्ट साइड में जा करके। फिर अपन को ब्रेक चेक करना है, हैंड ब्रेक यूँ दबा करके और इसको नीचे की तरफ, तो हैंड ब्रेक का साइन गायब हो चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ से भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, जैसे मैं हैंड ब्रेक लगा देता हूँ वापस, तो ये हैंड ब्रेक का साइन आ चुका है, देखिए आप ये देख सकते हैं ये वाला हैंड ब्रेक का साइन है। इसको जैसे ही मैं हटाऊँ ये देखिए गायब हो चुका है, तो इससे भी अपन को मालूम पड़ जाता है कि हैंड ब्रेक लग रहा है या नहीं लग रहा है नॉर्मली। देन दूसरे अपन अब गाड़ी चला करके बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने देखा अपने फर्स्ट गियर डाल दिया है क्लच, और अपन को करना क्या है अब आप देख सकते हैं, धीरे धीरे अपन को क्लच छोड़ना है। धीरे धीरे अपन क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी देख सकते हैं आप आगे की तरफ चल रही है। और स्टीयरिंग जहाँ अपन को लेना है, जैसे राइट साइड लेनी है तो राइट साइड मोड़ेंगे, और लेफ्ट साइड लेनी है तो लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, और सीधे रखनी है तो सीधा स्टीयरिंग रखेंगे अपन। और हल्के हल्के अपन को रेस देनी है ये। फिर अगर गियर चेंज करना है जैसे ही अपन को, वैसे ही पूरा क्लच दबाना है इस तरह से, पूरा क्लच दबाना है, फिर सेकंड गियर डालना है जैसा कि मैंने बताया था आपको, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, वैसे ही वही प्रोसेस। क्लच छोड़ते ही पूरा अपन हटा लेंगे तो भी ये चलेगी, देख सकते हैं ये गाड़ी चल रही है। देन अपन को हल्की हल्की रेस देनी है, ये एक्सीलेटर वाला पैर रख रखा है मैंने, हल्की हल्की रेस दे रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं गाड़ी आगे की तरफ ही चल रही है। देन अपन को अगर गाड़ी रोकनी हो तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, ये जो क्लच है इसको पूरा दबाना, उसके बाद में अपन को ब्रेक मारना है। अगर बिना क्लच दबाए अपन ब्रेक मार देंगे तो वो बाइक वाला हिसाब है कि गाड़ी बंद हो जाएगी झटके खा करके, तो अपन को ये गलती नहीं करनी है सबसे मेन बात। फिर जैसे ही गाड़ी रुकी अपन को सेकंड में वापस नहीं उठाना, सेकंड में उठाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये जैसे ही गाड़ी की स्पीड क्योंकि स्लो हो चुकी है तो वापस से फर्स्ट लेना है इसको, जैसे कि आपने देखा ये मैंने फर्स्ट डाल दिया। फिर वही प्रोसेस, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, ये क्लच छोड़ा अपन ने धीरे धीरे वहाँ से हटा लिया, हल्का एक्सीलेटर देना है आप, जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी चल रही है।
फिर वापस वही क्लच दबाना है, सेकंड गियर, वही क्लच छोड़ देना है, हल्की हल्की रेस। ये देख सकते हैं आप गाड़ी चल रही, देन हॉर्न के लिए मैंने आपको बताया था जैसे कुछ सामने आए अपन को हॉर्न के लिए वो दबाना है, जहाँ से मैंने आपको बताया था स्टेरिंग के इधर बीच में होता है, अपन को मुड़ना है अगर इस तरह से, अपन को जैसे थर्ड गियर डाला अपन ने वैसे थर्ड स्पीड के हिसाब से अपन को गियर चेंज करना है, ये थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ, और अगर अपन को मोड़नी हो तो रिवर्स गियर। तो ये सारा था अपन का, जैसे अपन को मोड़नी है अब थोड़ी स्पीड कम होगी, फर्स्ट गियर डाल दिया अपन ने, अपन इंडिकेटर देंगे, अपन को मुड़ना राइट साइड, राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया अपन ने, जैसे कि आपने देखा ऊपर की तरफ कर दिया है, ये इंडिकेटर हो चुका है। रिवर्स इधर देखेंगे अपन मिरर में, कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही, स्टेयरिंग मोड़ेंगे राइट की तरफ और ये धीरे धीरे अपन ले लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। वापिस स्टेयरिंग सीधा हो जाएगा जैसे ही अपन मुड़ लेंगे पूरा, ये देख सकते हैं आप। फिर सेकंड गियर डालना है, जैसे ही गाड़ी सेकंड गियर मारने लग जाए, जैसा कि आपने देखा गाड़ी चल रही है, देन थर्ड गियर इस तरह से ही, ब्रेकर आए स्पीड स्लो करनी है, हल्का सा ब्रेक मारना है, फिर पूरा क्लच दबाना है, सेकंड गियर में डालनी है, मतलब जिस जोन से गियर में चल रही है उसके पहले वाला गियर डालना है, क्योंकि स्पीड स्लो हो चुकी है, गाड़ी बंद हो जाएगी अगर अपन उसी गियर में रखेंगे तो। देन आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है अपनी वापस से। तो ये सारी बातें हुई अपने कि अपन को कैसे क्या ड्राइव करना है, सारी मैंने बता दी आपको गाइस। तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें शर्मा जी ब्लॉग्स को, और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, जैसे कि ये भी मैं डिमांड पे लाया था, एक जना ने कहा था मुझे, कमेंट आया था कि इस पर वीडियो बनाइए प्लीज़ दो तीन बार, हाउ टू ड्राइव अ कार, आप सारे फीचर्स वगैरह तो बता देते हैं बट इसमें मतलब कई लोगों को मालूम नहीं रहता कि कई लोग डिमांड कर रहे थे कि हाउ टू ड्राइव अ कार इस पर वीडियो बनाइए प्लीज़, तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ और आपके लिए लाता भी रहूँगा, जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को भी दबाओ जो उसके पास में ही है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो कि अगर जो भी मैं अपडेट जो भी वीडियो डालूँगा मैं आगे के तो उसके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसलिए प्लीज़ उसको भी दबाइए सब्सक्राइब बटन के साथ में। सो गाइस अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, थैंक यू गाइस।